मधुबनी बस स्टैंड उतरे हैं और यहाँ से अब देखते हैं कैसे जाते हैं। प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जब जिसके यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, इस वजह से काम एंड हो चुका था। जब काम एंड हुआ तो हम वहाँ पहुँचे और फिलहाल अभी स्टे करने का टाइम था तो अभी एक होटल लिए हैं। सो गाइस, तो अभी चेकआउट करने का टाइम है तो चेकआउट कर रहे हैं होटल। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही प्यारे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले बता दें कि अभी निकलने वाले हैं मधुबनी, क्योंकि अभी काम का टाइम है तो स्वाभाविक सी बात है डेली अभी इधर ना उधर जाना ही पड़ता है। तो आज हम जाने वाले हैं मधुबनी और मधुबनी में 3 दिन का स्टे है और 3 दिन वहीं रुकना है, वहीं पे काम करना है। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर घर को वापस आना है, पटना आना है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाहर का। इससे पहले हम बहुत सारा बाहर काम कर चुके हैं, रहकर 2-3-4 दिन। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम और कुणाल जाने वाले हैं मधुबनी। पहले यहाँ से जाएंगे अभी स्टैंड, वहाँ से लेंगे बस और बस से फिर चलेंगे मधुबनी। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट, नया जर्नी को एंजॉय करते हैं और 3 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है बाहर का, और ब्लॉग आपको देखने को भी मिलेगा कैसा नया नया हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फिलहाल हम नहा सुना के बिल्कुल रेडी हो गए। आज आपको पता भी है कि आज मंगल भी है, तो मंगल को पूजा पाठ बाबा बजरंगबली का हो चुका है। तो अब निकलते हैं और रूम को ताला मार। आज फिलहाल हम अपने रूम पे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद रूम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो हे गाइस, तो फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है वीडियो में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अभी हम बस स्टैंड से बस लिए हैं मधुबनी जाने के लिए। तो हम हैं और कुणाल है, हमारे एक दोस्त भी है जिनका नाम मनीष है। सो बाहर का नज़ारा हम अगर जो बताएँ तो अलग ही नेक्स्ट लेवल का फीलिंग आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम जर्नी कर रहे थे कहीं बाहर जाने का, तो अच्छा लग रहा था। और 2 से 3 दिन का जर्नी था, तो बस में बैठते ही आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा होगा। और बाहर देखें तो धूप भी है और हल्का हल्का ठंड भी लग रहा था, क्योंकि 10 के लगभग हो रहा था। भाई साहब थोड़ा सा बस पे बैठे बैठे बोर सा हो गए थे, और पिछले 3-4 घंटे से हम लोग बस पे बैठे थे, इसको पता नहीं क्या हो रहा था, एंजॉय कर रहा तो था। अभी जस्ट बस एक होटल पे लगी है और खाना पीने के लिए बस रोकती है बस हमेशा खाना पीना खाने के लिए जब भी इधर जाते हैं। तो अभी एक बस ढाबा पर रुकी है और कुछ खाना पीना खाते हैं, सुबह से कुछ खाएंगे। तो अभी 3-4-5 घंटे के सफ़र के बाद एक ढाबे पे बस रोका गया है कुछ खाने पीने के लिए। तो सुबह से भाई हम लोग भी कुछ खाए हुए नहीं थे, तो फिलहाल अभी ऑर्डर किए हैं तड़का और रोटी, कुछ भुजिया है और चटनी है, साथ में प्याज वगैरह था, क्योंकि भाई कुछ भी मिल जाए बेस्ट था उस समय। और ढाबे पर सबसे बेस्ट होता है वो तड़का रोटी। सामने कुणाल है और हमारे दोस्त हैं, तो सबसे पहले खाना को ख़त्म करते हैं, उसके बाद कुछ भी सोचा जाएगा। बाद फिर खाना ख़त्म होने के बाद जस्ट 5 से 10 मिनट बस वहाँ रुकी थी, उसके बाद फिर से हम अपना जर्नी शुरू कर दिए थे मधुबनी जाने के लिए। सो गाइस, तो अभी जस्ट मधुबनी बस स्टैंड उतरे हैं और यहाँ से अब देखते हैं कैसे जाते हैं, ऑटो से जाते हैं या किधर जाते हैं, कौन सा लोकेशन है। सो गाइस, तो यहाँ से हमें लोकेशन मिल गया था, 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पे था, तो हम टोटो यहाँ से रिजर्व किए जाने के लिए। और ये है मिथिलांचल का मार्केट, जो कि सीता माता का सरजमी यहाँ कहा जाता है। Hey guys, तो अभी 5-6 घंटे के जर्नी के बाद अभी मधुबनी पहुँचे हैं। मधुबनी पहुँचते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जब जिसके यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, इस वजह से काम एंड हो चुका था। जब काम एंड हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, और फिलहाल अभी स्टे करने का टाइम था तो अभी एक होटल लिए हैं। होटल का नाम था कृष्णा होटल था, यहाँ मधुबनी में अच्छा फेमस जगह है। तो रूम ठीक ठाक है, तो चलिए छोटा सा एक टूर दे देते हैं रूम का, कैसा रूम है, बजट में है, बढ़िया है। तो चलिए सबसे पहले ये है बेड है, ये
और छोटा सा एक टेबल दिया हुआ है और कुर्सी भी दिया हुआ है साथ में, और उधर वो सामान लैपटॉप वगैरह सब रखने के लिए जो भी सामान है वहाँ पे सारा रखा हुआ है, कैमरा वगैरह का सारा वहाँ रखेंगे, और इधर छोटा सा एक मिरर दिया हुआ है तो अच्छा है, क्यूट है, छोटा सा है। फैन वगैरह, लाइटिंग वगैरह, टीवी भी दिया हुआ है इसमें, और टीवी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम तीन जन रहने वाले हैं, कुणाल है और एक और भाई है और हम हैं, तो तीनों भी जस्ट पहुँचे हैं अभी। और सुबह 9 बजे के हम चले हुए थे पटना से, और अभी मान गुरु चलो भाई 7 बजने वाला है, तो अभी जाके शरीर में थोड़ा सा आराम हुआ है, और अभी आराम क्या हुआ, अभी थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि सुबह के रात में भी कल रात में भी काम कर रहे थे, और सुबह 7 बजे तक पहुँचे थे रूम पे, उसको फिर 9 बजे के बाद यहाँ से बस पकड़ना पड़ा और मधुबनी के लिए। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं रूम पे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, कल से काम शुरू होगा। तो फिलहाल अभी खाना पीना का और देखते हैं कि क्या सीन है, कैसे हुए, तो फिर खाना पीना खाएंगे। तो फिलहाल भी जाते हैं, पहले फ्रेश होंगे क्योंकि सुबह से एकदम बिल्कुल भाई माइंड एकदम कचरा हो चुका है, तो चलते हैं पहले फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर आप लोग से हम मिलते हैं। टीवी जब दिया हुआ है तो टीवी को ऑन करते हैं ना, पैसा वसूल करते हैं। कभी भी होटल वोटल में जाता है क्या करेंगे, रात में टीवी और लाइट वाइट ऑफ, टीवी ऑन, ठीक है, साउंड कम, सो जाता है। अच्छा मेरा भी सेम है, पैसा सब मत नहीं। सो गाइस, तो टीवी वगैरह सब दिया हुआ है होटल में, लेकिन चलाने यूज नहीं कर पा रहा है, पैसा आके सब सो गया है, सब थका हुआ है, सब आके मस्त सो गया है, कंबल मिल गया है आराम से, क्योंकि ठंड लग रहा था ना गाड़ी पाते वक्त, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, तो कंबल आया, आराम से सो गए एकदम मस्त। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, और जब सोएंगे खाना पीना खा के तो और भी रिलैक्स फील होगा। अभी फ़िलहाल खाना खाने का अभी टाइम है, तो थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि होटल है, होटल के बाहर, तो जंक्शन के बिल्कुल मधुबनी जंक्शन के पास में ही ये होटल है, तो वहाँ पे स्टे किए हुए हैं अभी, और थोड़ी देर में चाहेंगे अभी खाना पीना खाएंगे, और तो फिलहाल अभी टीवी का इंजॉय लेते हैं। टीवी ऑन ही नहीं हो रहा, उसको बुलाना पड़ेगा जिसका टीवी है वो। सारा सामान जैसे तैसे सब बिखरा पड़ा है, और एक हैंगर मिला है जहाँ पे वो सामान अपना जैकेट वगैरह सब टांग दिए, और इधर सब बैग वग सब ऐसा ही पड़ा हुआ, भाई सब थक गया है बहुत ज़्यादा ही। तो टीवी को ऑन करते हैं, देखते हैं टीवी ऑन होता है या नहीं होता है। सो गाइस, तो अब वो लेट हो चुका है, खाना खाने का टाइम है, तो अब चलते हैं खाना खाते हैं, और देखते हैं यहीं स्टेशन के पास में ही कोई होटल ज़रूर होगा, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ज़रूर होगा खाने का। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रहा था, आई थिंक हमको लगता है 12 बजे के लगभग हम लोग खाना खाए हैं, और वही खाना खाए हुए हैं अभी तक, तो चलते हैं देखते हैं बाहर कुछ बढ़िया कुछ दिखता है तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं होटल का क्या सिस्टम है आने जाने का, वो भी पूछ लेंगे और देख लेते हैं, कुछ अच्छा खाना मिल जाता तो वो भी खा लेते हैं। सुबह के अभी 11 बजने वाला है, और काम से कॉल आ चुका है कि वहाँ पे जाना है, तो अभी फिलहाल रूम का ये स्थिति है, और ब्लॉग को एंड भी करना है, तो फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करना है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए ब्लॉग के साथ मधुबनी सजमी पे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।